देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच झारखंड सरकार जरूरतमंदों की मदद कर रही है। दीदी किचन समेत कई योजनाएं चलाकर गरीबों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की हर संभव मदद की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की बड़ी साजिश की जा रही है। ये साजिश साहिबगंज में रची गई। दावा यह किया गया कि एक पत्रकार और एक स्थानीय नेता ने झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड पतना के केंदुआ में करीब 50 लोगों को सड़क पर थाली लेकर बैठा दिया और इस तस्वीर के जरिए सरकार पर खाद्य सामग्री नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। जरूरतमंदों को मिलने वाली राहत सामग्री लेने के लिए कुछ संपन्न परिवार के लोग भी मौके पर जुट गए। ऐसे दो लोगों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। सबसे पहले आपको अधिकारियों की बात सुनाते हैं, फिर आपको वो ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश का दावा किया जा रहा है। कुछ ऐसे र्यूमर्स यहाँ पर उड़ाई गई कि शायद लाल कार्ड यहाँ बन रहा है, लाल कार्ड बनने के लिए सब लोग तो उसी को करके यहाँ पर लाल कार्ड के भरोसे में भी बहुत लोग आकर के खड़े हो गए। कुछ एक लाभुक तीन लोगों को, दो लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। ये इनके पास बाकायदा अपना मकान है, 4 कमरे का पक्का मकान है। इनको योग्यता अर्हता सब कुछ पता है, सब उसके बाद भी ये इस तरह, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो कि समझिए क्राइम है एक तरीके से, कि किसी और के हिस्से जो मिलना चाहिए, जो राहत सामग्री है उसको भी लेने के लिए फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। तो हमने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम लोगों को सूचना मिली थी कल कि कुछ परिवार ऐसे हैं केंदुआ में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन की थोड़ी समस्या है, तो उनको राशन वितरण करने का डिसीजन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो उसी डिसीजन के आधार पर कल हम लोगों ने कुछ परिवारों को राशन का वितरण करवाया था। कुछ परिवार ऐसे थे यहाँ पे जो राशन लेने के लिए योग्य नहीं है, सक्षम परिवार है जिनके पक्के मकान हैं और जिनके पास 4 चक्का वाहन है या फिर 2-3 ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों की छटनी की गई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए डीसी वरुण रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की जाए, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि ऑडियो क्लिप भी सामने आ रहा है और उसमें साफ तौर पर यह सुनाई दे रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश जो है वो रची गई थी। जी नमस्कार, हम लोगों को सुबह 8 बजे यह सूचना मिली कि केदुआ गाँव में कुछ लोग ग्रामीण जो है वो आकर के जमा हो रहे हैं। उसके बाद तत्काल जो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी है पटना को, उनको वहाँ पर भेजा गया। उन्होंने वहां गया, उन्होंने ग्रामीणों से बात की, तो फर्स्ट इंस्टेंस में हम लोगों को ये पता चला कि उन लोगों का लाल कार्ड बनाया जाएगा यह कह करके उन लोगों को वहां पे जमा किया गया है। क्योंकि उस पूरे गांव में 297 राशन कार्ड धारी हैं जिसमें से सभी लोगों को राशन वितरित कर दिया गया है और 10 KG राशन जो राशन कार्ड धारी नहीं है उनके लिए भी कल हम लोगों ने 30 लोगों को वितरित किया था और बाकी लोगों को आज सुबह में हम लोग वितरित भी करने वाले थे। तो इसको लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी बाकी लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और इसको लेकर के फिर आगे छानबीन किया गया तो पाया गया कि यह एक सुनियोजित ढंग से किया गया है और इसमें प्रशासन की वरुण जी, लेकिन एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है ना कि एकदम से कोई एक मैसेज या फिर किसी एक शख्स को तो इतनी जानकारी नहीं दी जा सकती। ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्री प्लान होगा पूरी तरीके से, और अगर ये प्लानिंग की जा रही थी तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? क्योंकि जिस इलाके की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इलाका इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हाईटेक नहीं है कि वहां पर जो है फोन या व्हाट्सएप के जरिए हर किसी को जानकारी दी जा सके, यानी कि ये तैयारी जो है वो पहले से की गई थी। देखिए, इसमें जो है जो इंटेलिजेंस का है, चूंकि हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि सभी लोगों तक राशन पहुंच सके। हमारे जिले में हम लोगों ने अभी तक करीब 1,96,000 कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने राशन दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दीदी किचन और जो दाल भात केंद्र चल रहा है उसमें भी प्रतिदिन लगभग 25,000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। तो जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति को राहत मिल सके। फिर भी कई अगर कहीं से इस तरह का कोई समाचार हम लोग को आता है तो हम लोग गरीबों के प्रति सेंसिटिव रहते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी लॉकडाउन के समय में अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास राशन छूट गया तो उसको तत्काल सहायता पहुंचाते हैं। तो आज जैसे ही हम लोगों को ये खबर मिला, हम लोगों ने तुरंत प्रशासन वहां रश किया, वहां पे हम लोगों को पता चला कि लोगों वरुण जी ये बात अच्छी है कि आप भी ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो रहा है। लेकिन अगर इस मामले में उन शख्स की बात करें, उस शख्स की जिसने ये सूचना फैलाने की कोशिश की, उसके बारे में क्या जानकारी और क्या गिरफ्तारी के लिए कितने दिन का वक्त लगेगा? कोई मामला दर्ज हुआ, नाम निकलकर सामने आया? इसमें आप देखिएगा तो हम लोगों को तत्काल पता चला, प्रशासन तुरंत वहां पहुंची है, हम ही लोगों ने वो
लोगों से बातचीत के क्रम में और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोगों को इसके बारे में पता चला और ये मोबाइल रिकॉर्डिंग रिकवरी लोग हैं उनसे, और उसके बाद तत्काल हमारे लोगों ने वहां पर पुलिस को भी सूचना दी है। करीब जो 4-5 अभियुक्त हैं, जो इसमें खास करके दो न्यूज़पेपर्स के जो लोकल रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनको भी हम लोगों ने थाना में लाया है और इस पे FIR किया जाएगा और आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी जिला प्रशासन। कितने दिनों में गिरफ्तारी सर हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी? आखिरी सवाल। 4-5 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी ले आया है थाना में, ठीक है, जो लोग इसमें मेजर अभियुक्त हैं, और फिर बाकी तो अगर इसमें और भी किसी लोगों की मिलीभगत है तो उनसे इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को भी जो है वो बुक किया जाएगा और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातचीत रखने के लिए। तो देखिए दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें कि किसी भी ऐसी अफवाह पर जो है आप बिल्कुल भी ध्यान न दें, प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही कि हर शख्स को जो है राशन पानी मुहैया कराया जा सके। और देखिए आपने सुन लिया कि उपायुक्त क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन एक बार अब आपको वो सुनाते हैं, वो ऑडियो क्लिप जो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, वो ऑडियो क्लिप सुनिए। हां भैया बोलिए, क्या चल है? हाँ ठीक है भैया। क्या क्या कुछ कोई गया था आज? जी हम लोग एकदम जायज में है भैया, इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं है। जो पत्रकार है ना पूरा SDO का क्लास ले लिया है वो। जी 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 जी। और कल जो है भरपूर उसमें खबर छपेगा और कल SDO बुलाएगी, हम घटनास्थल पे आके देखेंगे। जी जी जी। और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ये ऊपर से थोड़ा ये क्या बोलता है जनप्रतिनिधि तरफ से हम लोग भी थोड़ा ये प्रेशर बनाए हैं, थोड़ा जो प्रेशर बनाया है। सुनिए कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया एकदम बिल्कुल, जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे। MO साहब बोले की 10 बजे हम आते हैं, 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, नहीं तो तुरंत कर देंगे, जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, उससे बात कीजिए, जो कर दिए ठीक है। जी जी। अब हम जो कह रहे सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम कर सकते हैं। कितना बजे भैया? फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि MO साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब? तो जी जी कोई MO साहब वीडियो साहब नहीं। जी ठीक है जी। यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है जी। और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा, अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, अगर करना है तो जो कर दिए कर रहा है। नहीं करना है कह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। MO कब आएगा? MO बोला की 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना जी। आप बोरे 8 बजे जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी ठीक है जी। केंदुआ बाजार में जी, मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस जी। हाँ थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है भैया। 7 बजे आपको भैया हम इन लोग से मिल लेते हैं कल सुबह, हम मिल के सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ ठीक है, और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खेला करवा देंगे। ठीक है भैया। ठीक है जी जी। बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है भैया ठीक, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी आपका हम लोग के बीच में है भैया। ठीक है, कुछ बोलना नहीं। नहीं तो देखिए इसी ऑडियो क्लिप के जरिए जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जी बिहार झारखंड लगातार आपसे इस बात की अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए, और इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है, और उन्हीं के गृह क्षेत्र में इस तरह का ड्रामा करवाना, इस तरह का साजिश रचना, ये साफ जाहिर करता है कि विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकप्रियता से घबरा करके